प्यारे बच्चों, आप सबका इस कालांश में स्वागत है। हम पिछले कालांश में हम भारतवासी पाठ आधा भाग पढ़ चुके हैं। अब हम फिर हम भारतवासी कविता पाठ पढ़ने के लिए फिर मिले हैं। इस कालांश में मैं आपको हम भारतवासी कविता को फिर एक बार आपको मैं याद दिलाऊंगी। मेरे साथ आप भी गाने का प्रयत्न कीजिए। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे, हम नफरत का तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। यहाँ तक हमको पिछले कक्षा में हुआ है, आप सबको याद है ना। अब हम भारतवासी कविता के बारे में कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ। अपने अपने उत्तर पुस्तकाएं लेकर आज का दिनांक लिखकर तैयार हो जाइए और इन प्रश्नों का जवाब लिखने के बाद अपनी अध्यापिका या अध्यापक को दिखाइए। अच्छा बच्चों, पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ आप देख रहे हैं ना, पुनरावृत्ति प्रश्न, इन प्रश्नों को जवाब अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखो। पहला प्रश्न है, हम भारतवासी कविता के कवि कौन है? दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस रचना से लिया गया है? तीसरा प्रश्न है, इस कविता का मुख्य विषय क्या है? चौथा प्रश्न है, भारतवासी दुनिया को क्या बनाना चाहते हैं और दुनिया में क्या मिटाना चाहते हैं? आशावादी बनकर मन में क्या जगाना चाहते हैं? नफरत का कुहासा तोड़कर क्या फैलाना चाहते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों का जवाब अपने अपने उत्तर पुस्तिका में याद करके लिखो। उसके बाद इस कविता का मैं पुनरावृत्ति कर रही हूं, फिर एक बार सुनिए। हम भारतवासी कविता के कवि श्री आरपी निशंक हैं। आरपी निशंक के बारे में सविवरण हम पिछले कक्षा में सीख लिए हैं। आरपी निशंक से लिखा हुआ यह कविता हम भारतवासी कविता है। यह मातृभूमि के लिए रचना से ली गई है। इस कविता गेय कविता है। इस कविता की कवि आरपी निशंक जी हैं। प्रस्तुत कविता मातृभूमि के लिए रचना से ली गई है। इस कविता का मुख्य विषय है देशभक्ति। आप सबको इसके बारे में पिछले कक्षा में अनेक चित्र देख चुके हैं, अब भी कुछ चित्र आपके सामने ला रही हूं। देखिए, मदर तेरेसा, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंदा, सत्य हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, श्रवण कुमार, ये सभी चित्र आपको देखने के बाद पिछले भाग की कविता याद आई होगी, उसका सारांश भी याद होगी आपको। देखिए, इस कविता के बारे में कुछ और जानकारी, पूर्वज्ञान के जानकारी मैं दे रही हूं। हमारा भारत प्राचीन देश है, इसकी गौरवशाली परंपरा है, यहाँ अनेक महान लोग जन्म लिए हैं, ये सभी सत्यवान, धर्मवान, कर्तव्यनिष्ठ, अहिंसावादी और मानवतावादी, ये सभी महान लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, हमारे देश में जन्म लिए हैं, और आज यहाँ का बच्चा बच्चा इन्हीं मार्ग पर चलकर देश को शक्तिशाली बनाना है, हम भेदभाव को मिटाना है। इस कविता में कवि बताए हैं कि द्वेष भाव को छोड़कर प्रेम भाव फैलाना चाहते हैं, भारतवासी सबसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं और दुनिया को पवित्र भूमि बनाना चाहते हैं, भारतवासी दुनिया को विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की ओर ले जाना चाहते हैं।
इस कविता में आरपी निशंक जी भारतवासी की महानता बताते हुए और वे दुनिया को क्या बनाना चाहते हैं स्पष्ट रूप से हमें यहाँ बताए हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पाठ में आएंगे, कविता पाठ में। आज का दो पद्य है, इसके पहले हम दो पद्य पढ़ चुके हैं। ये पद्य देख लीजिए। उलझन में उलझे लोगों को तज्ज दीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पद में उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। बच्चों, इसका अर्थ है उलझन में उलझे लोगों को, माने जो लोग समस्या से पीड़ित हैं उन लोगों को हम सही मार्ग माने सच्चाई की ओर ले जाना चाहिए, माने वास्तविकता बताकर उन लोगों की समस्याओं को सुलझना चाहिए। जो लोग बुरी आदतों से अपने जीवन पद से भटक रहे हैं उनको सही राह दिखाना भारतवासियों का कर्तव्य है। हम खुशियों के दीप जला, हमारे भारत में अनेक उत्सव मनाते हैं, हम अनेक त्योहार मनाते हैं, और कुछ लोग विहार यात्रा पर जाते हैं और कुछ लोग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। इस प्रकार हमेशा खुशी से जीते हैं। इसी खुशियों को हम दुनिया भर में बांटना चाहते हैं। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे। यह दूसरी पद्य है बच्चों, इसका अर्थ है भारतवासी मन में श्रद्धा और प्रेम से सारी दुनिया को पवित्र बनाना चाहते हैं। और यहां सत्य अहिंसा त्याग समर्पण आदि सद्गुणों को विकास करके और दुनिया को और भी पवित्र बनाना चाहते हैं। जग में जो विवाद हैं उन सभी को मिटाकर दुनिया को स्वर्ग भूमि बनाना चाहते हैं। बच्चों, इस चित्र में आप मदर तेरेसा को देख रहे हैं ना। मदर तेरेसा विश्व बंधुत्व का सच्चा उदाहरण है। ये युगोस्लेविया की मूल की थी, लेकिन हमारे भारत में आकर पीड़ितों की, अनाथों की और अभाग्यों की सेवा करके नोबल शांति पुरस्कार की विजेता बन गई है। देखिए, इनकी कहावत आप सबको याद ही है ना, प्रार्थना करने वाले होंठों से सहायता करने वाले हाथ अच्छी हैं। बच्चों, इस स्लाइड में देखिए हम भारतवासी कविता का सारांश मैं बिंदुओं में दी हूं, इनको ध्यान से पढ़िए। जो लोग समस्याओं से पीड़ित हैं भारतवासी उन लोगों की समस्याएं सुलझने का उपाय बताएंगे, समस्याओं का मूल कारण उन्हें बताकर दूर करने का प्रयत्न करेंगे। संसार को भी सुख शांति से रखना चाहते हैं भारतवासी, अपनी श्रद्धा और प्रेम से दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं, दुनिया को उन्नत पद पर ले जाना चाहते हैं। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण आदि गुणों को अपनाकर जीवन उन्नत बनाना चाहते हैं। देखिए बच्चों, इन चित्रों में सत्य अहिंसा त्याग समर्पण इनका सजीव उदाहरण हमारे महान लोगों को इन चित्रों में आप देख लीजिए। भारतवासी जीवन मार्ग से भटकने वालों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। जो लोग बुरी आदतों से अपना जीवन और समाज को भी नाश करते हैं उन लोगों को भारतवासी मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय सदा खुशी से रहकर दुनिया को भी खुश रखना चाहते हैं। खुशी से रहने का जो मंत्र है वह भारतवासियों में है, इस मंत्र से जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं।
इस देश में सत्यवान, कर्तव्यनिष्ठ, अहिंसावादी, धर्मनिष्ठ जन्म लिए हैं। भारतवासी दुनिया को पुण्य भूमि बनाना चाहते हैं, भेदभाव मिटाना चाहते हैं, प्रेम भाव बढ़ाना चाहते हैं, आशावादी बनकर विश्वास जगाना चाहते हैं, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, जीवन मार्ग से भटकने वालों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। भारतवासी सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि गुणों का विकास करके दुनिया को पुण्य भूमि बनाना चाहते हैं। सुन लिया बच्चों, इसका भाव कितने अच्छे हैं। बच्चों, अब तक कविता का सारांश सुन लिए हैं ना आप, चित्र भी देख लिए हैं। अब अपने अपने उत्तर पुस्तिकाएं हाथ में ले लीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयत्न कीजिए। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत आपसे प्रश्न मैं पूछ रही हूं। ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला प्रश्न है, ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, हमें अपने जीवन में कैसे पद अपनाना है? तीसरा प्रश्न है, हम भटकने वालों को रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की बगिया महकाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इन प्रश्नों का जवाब लिखकर गृह कार्य के रूप में लिखकर अपनी अध्यापिका को या अध्यापक को दिखाइए। अब तक हम कविता पढ़ चुके हैं और प्रश्न जवाब भी लिख चुके हैं। बाद में इस पाठ में आए हुए भाषा की बात के बारे में जान लेंगे। भाषा की बात, पहले अर्ध। इस कविता में जो जो कठिन शब्द हैं इनका अर्ध मैं यहां दी हूं। उलझन, इसका अर्थ है समस्या। तथ्य, इसका अर्थ है सच, यथार्थता, वास्तविकता। धरती, इसका अर्थ है भूमि। यहां विलोम शब्द, स्वर्ग, नरक, सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, त्याग, स्वार्थ, ये इस कविता में पहचाने गए हुए उल्टे शब्द हैं। वचन, मैं, हम, खुशी, खुशियां। और इसी कविता में पर्याय शब्द भी देख लीजिए, जग, संसार, दुनिया, धाम, धरती, भूमि, पृथ्वी। उपसर्ग, अहिंसा में उपसर्ग है आ। उपसर्ग माने क्या है आपको पता है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। आप किसके पहले पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार मैं उसे याद दिला रही हूं। उपसर्ग, इस कविता में उपसर्ग है अहिंसा, अहिंसा में आ। और इसी प्रकार के अन्य, यहां इस कविता में मुहावरे भी हैं। मुहावरे भाषा का सौंदर्य बढ़ाती है, आपको मालूम ही है। इस कविता में जो जो मुहावरे हैं मैं यहां आपको दे रही हूं। मुहावरे, राह दिखाना, इसका अर्थ है मार्गदर्शन करना। बच्चों, इसके पहले मैं बताई हूं, कवि इस कविता में सामान्य भविष्यत काल का उपयोग किए हैं, क्रिया प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया है और तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। पिछले कालांश में मैं तुकांत शब्द और सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण दी हूं। अब इस कालांश में प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में कुछ उदाहरण दे रही हूं। बनाना, समझाना, दिखाना, जलाना, महकाना, भगाना, ये प्रथम प्रेरणार्थ क्रियाएं हैं। बच्चों, अब तक हम भाषा की बात जान चुके हैं, अब वार्षिक परीक्षा के बारे में भी थोड़ा जानकारी आपको मैं देना चाहती हूं। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से आपको दसवीं कक्षा में कितने अंक मिलेगा, क्या क्या प्रश्न दिया जाएगा, यही है आपका संदेह? तो देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा में सारांश दिया जाएगा,
सारांश के लिए 6 अंक मिलेगा। बच्चों, सारांश को आप कैसे लिखना है इसके बारे में मैं बता रही हूं। सारांश लिखते समय पहले कवि परिचय लिखना है, कवि परिचय के बाद सारांश माने पूर्व ज्ञान के बारे में एक अनुच्छेद लिखने से अच्छा रहेगा, और उसके बाद कविता का सारांश लिखना है, उसके बाद उपसंहार भी लिखना है। बच्चों, देश के बारे में हम भारतवासी कविता के बारे में आपको गीत के रूप में आप गा चुके होंगे, इस गीत के 2-3 वाक्य भी वहां आप लिख सकते हैं। अगर समय होगा तो 2-3 वाक्य कविता का 2-3 वाक्य भी वहां लिखने का प्रयत्न कीजिए, इससे आपको 6 के लिए 6 अंक मिलने की संभावना है। और बच्चों, इसमें से 3 अंक वाले प्रश्न माने कवि परिचय के बारे में दिया जाएगा, या लघु उत्तरात्मक प्रश्न के रूप में 3 अंक का प्रश्न कविता के सारांश के अंदर देने की संभावना है। बच्चों, भाषा की बात में से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है 1 अंक या 2 अंक के लिए। इसके लिए आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्ध पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, ये सभी में से कोई 1 या 2 देने की संभावना है, इसलिए इन सभी को आप पढ़ना है और इस कविता में पहचानना है। उसके बाद बच्चों, कवि के बारे में 3 अंक मिलेगा आपको, और इसमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न भी दिया जाएगा। इस प्रकार कविता का सारांश को अच्छी तरह आप सीखने से आपको बहुत ही अंक मिलने की संभावना है। बच्चों, और एक मुख्य विषय ध्यान रखिए, यहाँ 5 अंक के लिए आसानी से हम अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत 5 अंक आसानी से पा सकते हैं हम। किसी एक पद्य के अंतर्गत 5 प्रश्न दिया जाएगा, इसमें से आपको याद रखने की बात एक है, कवि का नाम याद रखना है और पाठ का नाम भी याद रखना है, इसके लिए आपको 5 अंक जरूर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, अब तक हम भारतवासी कविता के बारे में पढ़ चुके हैं और भाषा की बात भी जान लिए हैं, वार्षिक परीक्षा में क्या क्या अंक मिलेंगे इसमें से यह भी जान लिए हैं। बच्चों, ध्यान देने की बात और एक है। बच्चों, हम भारतवासी कविता पढ़ चुके हैं ना, इस कविता से हम क्या ज्ञान प्राप्त किए हैं, इस कविता को पढ़ने के बाद हमें क्या परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन आना चाहिए, इसके बारे में स्लाइड में देखिए। सबसे मिलजुल कर रहना, भेदभाव दूर करना, नैतिक मूल्य अपनाना, आशावादी बनकर उन्नत पद अपनाना, पूरी रास्ते पर चलने वालों को सही जीवन का मार्गदर्शन करना, श्रद्धा और प्रेम भाव को अपनाना। अच्छा बच्चों, एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिए, बच्चे कैसे गाए हैं सुन लीजिए। और बच्चों, इस गीत को सोनिया आनंद ने बहुत ही खुशी से गाई है। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे।
संक्षिप्त सारांश सीख लीजिए। और इसी कविता में प्रश्न और जवाब गृह कार्य के रूप में लिखने का प्रयत्न कीजिए। अच्छा बच्चों, फिर एक बार मिलेंगे। धन्यवाद।